हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले, जिसका नाम है भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था। और ये चैप्टर जो है आपके सेकंड टर्म एग्जाम में 6 नंबर का है दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया एंड तक, तो आपके 6 नंबर गारंटी से कंफर्म है। इस चैप्टर से आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसे चैप्टर का नाम है भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था, जी हाँ, दल और दलीय व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो है कांग्रेस, कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व, ये सभी चीजें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो टॉपिक है दोस्तों, चुनाव आयोग। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद हमारा जो पहला आम चुनाव हुआ था, वो आम चुनाव बहुत ही मशक्कत और उसमें कई सारी समस्याएं थी पहले आम चुनाव में। बट हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को इस प्रकार सजाया, इस प्रकार से निर्माण किया कि पहला आम चुनाव हमने आसानी से, यानी सफलतापूर्वक उसको कामयाब कर लिया। अब पहले आम चुनाव में कौन कौन सी समस्या थी जिसके माध्यम से हमें उस समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले जो चुनौतियां थी प्रथम आम चुनाव दोस्तों, थी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। क्योंकि दुनिया के तमाम देशों का मानना था, जितने भी स्वतंत्र देश हो चुके उनका मानना था कि भारत लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत जल्दबाजी कर रहा है और इतनी आसानी से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आसान नहीं, जबकि भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला चुनौती थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। दूसरी चुनौती थी चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। जो चुनाव क्षेत्र होते हैं कि विधानसभा क्षेत्रों निर्वाचन कर चुनाव करना कि भाई ये एक किराड़ी विधानसभा है या कंझावला विधानसभा है या अन्य विधानसभा है, तो इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उसका सीमांकन करना कि भाई कौन सी विधानसभा क्षेत्र कहां तक है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो इसका भी सीमांकन करना था। दूसरा, मतदाता सूची बनाने के मार्ग बताए। मतदाता सूची के बनाने में कई बाधाएं थी। मसलन, जब मतदाता पहली बार मतदाता सूची बनाएगी तो उसमें बहुत सारे नामों में गड़बड़ी पाएगी, जिसमें किसी के नाम अला के बीबी, फला के बीबी, अला का इस प्रकार से अला और फला के जोड़ दिया गया, यानी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी मतदाता सूची को तैयार करने में। इसके बाद दोबारा से मतदाता सूची तैयार की, तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी चुनाव करवाने में। चौथी थी अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था उस समय हमारे पास अगर पढ़े लिखों की संख्या की बात करें तो केवल 7 से 11% या 16% के आसपास लोग पढ़े लिखे थे, और इतने कम पढ़े लिखे लोगों में लोगों के द्वारा सभी लोगों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। बट हमने इन तमाम चुनौतियों को आसानी से पार कर लिया और सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से हमारा जो पहला आम चुनाव था वह सफल होता है। और हमने एक सही तरीके से, शानदार तरीके से विश्व के तमाम देशों को जो हमें लगातार कह रहे थे कि भारत लोकतंत्र के शैशव काल में या लोकतंत्र के शुरुआत में ही समाप्त हो जाएगा, उनके मुंह पर करारा तमाचा चढ़ा। और हमारे पहले जो चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनके ही निगरानी में हमने अपना पहला आम चुनाव पूरी सफलता के साथ पूरा किया और लोकतंत्र की स्थापना की। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग की स्थापना कब की? 1950 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की और पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, सुकुमार जो है सेन थे हमारे पहले अध्यक्ष। ठीक है, इस तरह से ये चुनौती थी किसकी? चुनाव आयोग की समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी थी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, कांग्रेस के वर्चस्व और प्रभुत्व के कारण। कहा जाता है कि पहले प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व था, या आप कह सकते हैं इसी प्रभुत्व को एक दलीय प्रणाली या कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस को पहले आम चुनाव से लेकर लगातार तीसरे आम चुनाव तक ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से कांग्रेस लगातार सफलता पाई जा रही थी और कांग्रेस सफल हो रही थी, जिसके पीछे कारण थे? तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई गई थी। आप यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस के अधिकतर नेता जो है स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे,
तो ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला था। दूसरा, सुसंगठित पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक सुसंगठित पार्टी थी, ऐसा नहीं था कि उसमें संगठन मजबूत नहीं था या कमजोर था, यहाँ संगठन काफी मजबूत था, पार्टी पूरी तरीके से सुसंगठित थी, है ना, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, जिसने कांग्रेस को और ज्यादा जो है आगे पहुंचाया। तीसरा था, सबसे पुराना राजनीतिक दल। तो कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल था। आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी जो स्थापना 1885 में की गई थी, ए.के. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी 1885 में। तो 1885 से लेकर कांग्रेस जो है लगातार राष्ट्रवाद और राष्ट्र को लेकर आगे काम कर रही थी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत कर रही थी। तो इस तरह से कांग्रेस को ये भी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि वर्चस्व का प्राप्त होने के कारण था। चौथा था, पार्टी का राष्ट्र जो है व्यापी नाम। कांग्रेस का जो पूरे राष्ट्र में एक क्या था, एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। जिस तरह से वर्तमान में एनडीए बीजेपी का नेटवर्क हो रखा है, ठीक वैसे ही पहले कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क हुआ करता था, ठीक है, भारत की चुनाव प्रणाली। दूसरा है, जो कांग्रेस के और प्रभुत्व की अगर हम बात करें तो उसके पीछे कौन सा कारण है, भारत की चुनाव प्रणाली जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वही जीतता है। यानी अगर मान लेते हैं कि आप 50 प्लस एक मत प्राप्त करते हैं तो आपको जीत मिलती है, अगर कोई 49 मत प्राप्त करता है उसको हार हो जाती है। तो ये भी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ कि इस वजह से भी कांग्रेस का जो है वर्चस्व रहा पहले तीन आम चुनावों में, अगर कह सकते हैं कि 1951 से लेकर, ठीक है, 1971 जो तीसरा आम चुनाव था वहां तक, ठीक है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पतन की शुरुआत करें तो 1967 के चौथे आम चुनाव से होना शुरू होता है। वो सारी चीजें हम बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस तरह से यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के वर्चस्व के क्या कारण रहे, यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कांग्रेस की जो एक दलीय व्यवस्था है भैया, भारत की एक दलीय व्यवस्था वो अन्य देशों की एक दलीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। अगर हम भारत की एक दलीय व्यवस्था की बात करें तो भारत की एक दलीय व्यवस्था विश्व के अन्य एक दलीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों जैसे अगर हम बात करें मैक्सिको की, ठीक है, मैक्सिको की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम मैक्सिको की बात करें, चीन की बात करें और क्यूबा की बात करें, ठीक है, म्यांमार की बात करें और अगर हम बात करें बेलारूस की बात करें, तो ये वो राष्ट्र है जहां पर पार्टी का या एकल पार्टी का एकाधिकारवादी शासन थे। बट यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी दोस्तों, ये इसमें आप कह सकते तानाशाही व्यवस्था थी या सैनिक शासन के बल पर वहां पर पार्टी ने अपने आप को स्थापित कर रखा था। बट अगर हम भारत की कांग्रेस प्रणाली एक दलीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो एक दलीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी कांग्रेस काल के दौरान, वो लोकतंत्रात्मक और जनता के द्वारा चुने गए लोगों के माध्यम से स्थापित की गई थी। बट तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो भारत में एक दलीय व्यवस्था वो क्या थी, लोकतंत्रात्मक तरीके से स्थापित की गई थी, जबकि इन राज्यों में जो एक दलीय व्यवस्था थी वो तानाशाह के माध्यम से, सैनिक तानाशाही के माध्यम से या डरा धमका कर इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से भारत की एक दलीय व्यवस्था और अन्य देशों की एक दलीय व्यवस्था में हमारे यहाँ पर भिन्नता पाई जाती। तो यहां से दो नंबर सवाल पूछे जा सकते हैं, क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो एक अब पूछा जाएगा भाई, कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, यानी कांग्रेस के पास भी राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती के समस्या का सामना करना पड़ा। होता क्या है दोस्तों, बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती है। 1964 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अचानक आकस्मिक उनका निधन हो जाता है, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है तो उसके बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये उठ खड़ी होती है कि अब नेहरू के बाद कौन, नेहरू जैसे दूरदर्शी, नेहरू जैसे कर्मठ नेता अब कांग्रेस के पास नहीं थे, ठीक है। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी कि अब भाई नेहरू जी के बाद कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन होगा, विदेश मंत्री कौन होगा, किसके माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। तो उसके बाद नेहरू जी के विकल्प के रूप में लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा। लाल बहादुर शास्त्री, वो लाल बहादुर शास्त्री थे जो इससे पहले रेल दुर्घटना का जिम्मा, जब वो रेल मंत्री थे तो रेल दुर्घटना का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते और अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री की छवि काफी साफ थी, उन पर किसी प्रकार कोई दाग नहीं लगा था। तो उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। बट 1966 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो ताशकंद समझौता होता है, उस समझौते में जाने के बाद, समझौता करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है।
ऐसे में एक और समस्या सामने खड़ी हो जाती है कि भाई अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद क्या, क्योंकि 1960 और 70 का जो दशक था वो पूरी तरीके से कांग्रेस के सामने चुनौतियों के एक समय काल लेकर आया था। अचानक से 2-4 साल के अंदर 2 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों की मौत हो जाना और अब एक और समस्या आन खड़ी हुई थी कि अब शास्त्री की बात कौन। तो आनंद फानंद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, क्योंकि सिंडिकेट जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, उनका कहना था कि अगर उनका मानना था, उनकी सोच ये थी, अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नाम करेंगे, सारा काम कौन करेंगे, हम करेंगे, जैसे के कामराज, एस के पाटिल, निजलगप्पा, इनका मानना था इंदिरा गांधी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे और इंदिरा गांधी सभी काम हमसे पूछ के करेंगे, बट वो सारी चीजें वहां पर धरी की धरी रह जाती हैं जब इंदिरा गांधी और के कामराज में फूट पड़ जाती है शासन करने के तरीके को लेकर, वो सारी चीजें हम करेंगे। तो ये 1967 का काल था, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती थी, अंततः बाद में कांग्रेस से निपटती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1960 का दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1964 में प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है, फिर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है, तो इसलिए इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। और भी काफी चुनौतियां जैसे फसल उत्पादन न होना, खाद्यान्न की कमी होना, इस प्रकार सारी बहुत सारी चीजें वहां पर मौजूद थी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे के बाद बात करते हैं 1967 का आम चुनाव, 1967 का आम चुनाव, जो था दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आम चुनाव माना जाता है, क्योंकि इस आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है 1967 के चौथे आम चुनाव के। अब इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता, हुआ करते थे, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ राज थे, जैसे अगर हम इसमें अतुल्य घोष की बात करें, के कामराज की बात करें, ऐसे बहुत से बड़े बड़े नेता थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा 1967 के आम चौथे आम चुनाव में। और इसी चौथे आम चुनाव से जो है, अगर हम बात करें, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना केरल में हुई थी, वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर 1967 के चुनाव में जो है कांग्रेस को, दोस्तों जो बता देते हैं आपको, कांग्रेस को 1967 के चुनाव में 9 राज्यों में जो है हार का सामना करना पड़ा था। वो 9 राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, और अगर हम बात करते उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश और केरल, ये 5 जो 9 राज्य थे, इन 9 राज्यों में कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों जो 9 राज्य थे वो एक जगह नहीं थे, ये पूरे भारत के अलग अलग कोने में, अलग अलग हिस्सों में सम्मिलित राज्य थे, यानी भारत कांग्रेस का जो एक प्रभुत्ववादी व्यवस्था थी या वर्चस्व था वो समाप्ति की ओर कह सकते हैं कि अब प्रस्थान कर चुका था। तो इस तरह से चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो अभी तक नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी या वर्चस्व के दम पर लगातार चुनाव जीत रही थी, अब उसे हार का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। अब इसी समय यही हुआ है 1967 का चौथा आम चुनाव, जिसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी जाती है। 1967 के चुनाव में और समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी थी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, खाद्यान्न की कमी, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, इस तरह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा कम होना, इस तरह की तमाम समस्याएं जो है देश को जकड़ रखी थी। तो इस वजह से भी कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ता है दोस्तों, जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ये टॉपिक भी आई थिंक क्लियर हो चुका है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें प्रोत्साहित देने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ठीक है। ये टॉपिक हो चुका है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन दोस्तों है जो है वो कब होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है वर्ष 1969 में, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है वर्ष 1969 में। इधर से कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, कांग्रेस जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जिसे आप कहते हैं सिंडिकेट, और कांग्रेस आर जो होती है इंदिरा गांधी की, ठीक है। तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में, यानी 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस के विभाजन का कारण क्या रहा। तो कांग्रेस के विभाजन के कई कारण थे दोस्तों। अगर हम कांग्रेस के विभाजन के कारण की बात करें तो कांग्रेस के अंदर आपसी मतभेद, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को
प्रधानमंत्री के लिए अप्रोच किया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने में सहायता की थी। अब इंदिरा गांधी और उनके बीच जो आपसी मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे, आपसी कलह जो उभर कर सामने आ रही थी, पार्टी की नीतियों, दूसरा क्या कह सकते हैं, जो पार्टी की नीतियां थी वो दोनों गुट जो है आपस में साझेदारी नहीं कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों के लेकर अलग अलग राय होती थी सबकी। इसी के बाद अगर हम बात करें तो 1967 का जो दशक था उस समय खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, राइट, खाद्यान्न की कमी हो गई थी क्योंकि सूखा पड़ गया था, खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पाया था, वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया था 1969 में कांग्रेस विभाजन का। इसके साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन से कारण रहे थे कांग्रेस के विभाजन के, वो कारण था प्रीवी वर्ष की समाप्ति। जी हाँ, हम सब बताएंगे प्रीवी वर्ष क्या, अलग अलग तरीके से प्रीवी वर्ष की समाप्ति, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, ये कुछ जिसको इंदिरा गांधी तो लागू करना चाहती थी, बट जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे जिसे हम सिंडिकेट कहते थे, वो इस बात से असहमत थे। तो इस वजह से कांग्रेस और बड़े जो कांग्रेस के नेता थे इंदिरा गांधी में फूट पड़ गई, और जिसकी वजह से कांग्रेस का अंततः विभाजन भी हो जाता है। एक बाद में 1970 में अगर हम तत्कालीन कारण की बात करें तो के कामराज जो समय कह सकते हैं कि वित्त मंत्री थे, उन्हें उनके वित्त मंत्री पद से जो है हटा दिया गया और कांग्रेस ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये प्रमुख और तत्कालीन कारण था जिसकी वजह से 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आई थिंक आप क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सिंडिकेट है क्या, सिंडिकेट की अगर हम बात करें दोस्तों, सिंडिकेट अगर हम बात करें तो सिंडिकेट जो था वो कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं का एक समूह था। कौन था, बड़े नेताओं का समूह, जिसमें के कामराज शामिल थे, के एस पाटिल शामिल थे, के एस निजलप्पा शामिल थे, एन संजीव रेड्डी शामिल थे और अतुल्य घोष शामिल थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़े प्रमुख नेता थे, बड़े कद्दावर नेता थे जिनकी कांग्रेस में तूती बोला करती थी। इन्हीं कद्दावर नेताओं के समूह ने एक सिंडिकेट की स्थापना करी और इसे ही सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, और यही विभाजन के कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि कामराज कहां से थे, तो के कामराज मद्रास से थे, एस के पाटिल कहां से थे, तो वो बंबई से थे, एस के एस निजलप्पा कहां से थे, तो वो कहां थे, मैसूर से थे, मैसूर वर्तमान कर्नाटक से थे, ठीक है। एन संजीव रेड्डी कहां से थे, तो एन संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। अतुल्य घोष कहां से थे, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से थे। ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने 1967 के आम चुनाव में अपने अपने राज्य में चुनाव हार चुके थे, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट आई थिंक आपको पता चल चुका है, कांग्रेस आर और कांग्रेस में ओ में अंतर क्या है, तो कांग्रेस आर जो है इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी और कांग्रेस ओ जो है सिंडिकेट की कांग्रेस थी, जिनका 1969 में विभाजन हो जाता है, और 1969 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट चुनाव की, एक और इम्पोर्टेंट चुनाव है 1971 का पांचवा आम चुनाव, ठीक है, 1971 का पांचवा आम चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी चुनाव के बाद अगर हम बात करें देखेंगे तो कांग्रेस का पुनः स्थापना होती है। और 1971 में क्योंकि तमाम जो विरोधी दल थे वो कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर दल बनाकर लड़ते हैं, और तमाम लोगों द्वारा जो है इंदिरा गांधी को हराने की कोशिश की गई। विपक्ष ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, और कांग्रेस ने इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। तो 1971 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 1971 के चुनाव में कौन से परिणाम है, तो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से जीत मिलती है, और इंदिरा गांधी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि असली कांग्रेस उन्हीं की है। इंदिरा गांधी की जीत के कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो था गरीबी हटाओ का नारा देना इंदिरा गांधी का, प्रीवी वर्ष की समाप्ति, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और 1969 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव, 1971 का भारत पाकिस्तान की युद्ध जिसमें भारत द्वारा एक अलग देश का निर्माण किया गया पूर्वी पाकिस्तान को समाप्त करके, वो था बांग्लादेश, या पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करके। तो ये कुछ चीजें थी जिससे इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हुई, और जो सिंडिकेट था वो इंदिरा गांधी के मुंह देखती रह गई। यानी 1971 में कांग्रेस जो है अपने आप को पूरी तरह से दोबारा से स्थापित कर लेती जिस तरह से वो पहले थी, इसे ही कहा जाता है कांग्रेस की पुनर्स्थापना, ठीक है दोस्तों। तो 1971 के चुनाव के क्या परिणाम रहे आप सभी को पता चल चुका है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से दो दो नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो है दोस्तों प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं, प्रीवी पर्स क्या है, तो प्रीवी पर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, जब भारत सरकार द्वारा देशी रजवाड़ों को विलय किया जा रहा था तो
देसी रजवाड़ों से हमने वादा किया था कि आप अगर हमारे साथ विलय करते हैं, हमारे साथ मिलते हैं, तो हम आपकी जो यथा स्थिति है या आपको कुछ कह सकते हैं कुछ मुआवजा देंगे और आपको जो विशेष अधिकार दिया गया वो हमेशा मान्य रहेगा, यानी महंगाई भत्ता दिया जाना, विशेष भुगतान दिया जाना, ये सारी चीज आपके पास रहेंगी। इसे प्रीवी पर्स कहा गया था। प्रीवियस मतलब था कि जो रजवाड़े थे जो हमारे साथ विलय हुए थे उनके जो संपत्ति थी उन पर उनका अधिकार रहेगा, उनकी संपत्ति उनसे छीनी नहीं जाएगी और उन्हें कुछ महंगाई भत्ते या कुछ भत्ते दिए जाएंगे, पेंशन दी जाएगी जिसके माध्यम से वो अपना संचालन कर सकते हैं। तो इसे ही क्या आ गया, विशेष अधिकार कहा गया या इसे प्रीवी पर्स कहा गया। बाद में इंदिरा गांधी ने इसे प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, ठीक है, जिसको जिसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव में जीत का सामना करना पड़ा, वो उन्हें जीत मिली। तो प्रीवी पर्स मतलब था भारतीय देशी रजवाड़ों को विशेष अधिकार प्रदान करना, इसे हम प्रीवी पर्स कहते हैं। दूसरा ग्रैंड अलायंस की अगर हम बात करें, ग्रैंड अलायंस क्या है, ग्रैंड अलायंस की अगर हम बात करें तो 1971 के पांचवे आम चुनाव में विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए जो संगठन बनाया गया था उसे ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दल बदल का मतलब होता है कि जब कोई एक विशेष नेता किसी एक विशेष राजनीतिक दल के चुनाव चुनने से चुनाव जीतता है और चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद वो किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। दल बदल से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आया राम गया राम का जुमला कहां से मशहूर होता है, हुआ जाता है कि हरियाणा में जो है चौथे आम चुनाव में जो वहां के एक नेता थे गयालाल, तो उन्होंने पार्टी बदली, एक दिन में कई पार्टी, कभी कांग्रेस से कभी वो दूसरे पार्टी में फिर कांग्रेस में आ गए, तो वहीं से आया राम गया राम का जुमला प्रसिद्ध होता है, उसी वहीं से दल बदल विरोधी कर्म भी बनाए जाते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक दो नंबर वो पूछा जाता है गैर कांग्रेसवाद क्या है। गैर कांग्रेसवाद की अगर हम बात करें तो गैर कांग्रेसवाद एक नारा था विपक्षी दलों के एकजुट करने के लिए वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ सके, तो ये गैर कांग्रेसवाद। तो प्रीवी पर्स, गैर कांग्रेसवाद, ग्रैंड अलायंस, ठीक है, सिंडिकेट, ठीक जो है एकात्म, इसके बाद अगर बात करें एक दलीय व्यवस्था क्या है, और ये जो टॉपिक दोस्तों हमने देखा अभी तक का, यहां से ही आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 1971 में कांग्रेस से जीत के कारण क्या रहे, 1969 में कांग्रेस विभाजन के क्या कारण है, 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 1960 के दशक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इस तरह से जो है क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि कांग्रेस किस प्रकार के एक दल, किस प्रकार का दल था, तो ये तमाम क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, उसमें आप पीडीएफ में करवाएंगे। दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही, कंप्लीट टॉपिक दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।